नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में एक मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। इस वारदात की वीडियो भी सामने आई है। बदमाश दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल और नकदी चुरा कर ले गए। सबसे बड़ी बात है कि चोरी करने वाला युवक नग्न अवस्था में बिना कपड़े पहने वारदात करने आया। बताया जा रहा है कि 90 के करीब मोबाइल और हजारों रुपए की नकदी आरोपी लेकर फरार हो गए। बदमाश साड़ी की मदद से लटक कर दुकान में दाखिल हुआ। घटना थाना मोती नगर के इलाका मेन मार्केट शेरपुर कला की है। दो आरोपी दुकान के बाहर थे और तीसरा अंदर दाखिल हुआ। दुकानदार जसप्रीत सिंह का कहना है कि उनकी महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से शेरपुर मेन मार्केट में दुकान है। दुकान बंद करके वह घर गए थे। अगले दिन सुबह दुकान खोली तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। वहीं दुकान की छत के पास से दीवार टूटी थी। इसके बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर दुकानदार ने सूचना दी। चोर ने दुकान से करीब 90 मोबाइल फोन और 45,000 की नकदी चोरी की है। दुकानदार जसप्रीत के मुताबिक नकदी 45,000 की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें उन्होंने 4,500 रुपए लिख दिए हैं। इस मामले में उन्होंने जांच अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अब सवाल यह उठता है कि यदि पुलिस शिकायत लिखने में इस तरह की लापरवाही बरतेगी तो कैसे लोगों की शिकायतों का सही से निपटारा हो पाएगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।